बस 10 मिनट चाहिए आपके आज के दिन का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। बने रहें वीडियो के साथ, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप 7311 बेल्टन पास अभ्यर्थियों में से एक हैं और आप भी अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको आज का यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में ज्वाइनिंग को लेकर जो भी प्रश्न है वह क्लियर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि ज्वाइनिंग के सवाल पर बेल्टन के द्वारा क्या लिखी जवाब दिया गया है। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पे जो अभी स्कैन कॉपी देख रहे हैं यह विधानसभा में पूछे गए कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों की सूची है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका सूची बनाकर जवाब दिया गया है, और क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्या जवाब मिला है ये हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या एक यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या एक को पढ़ेंगे और उसका जवाब क्या मिला है वो हम देखेंगे। प्रश्न एक में लिखा गया है, क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाता है। लेटर थोड़ा धुंधला है इसलिए मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आप भी पढ़ पाएंगे। इसका उत्तर दिया गया है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, मतलब कि हाँ ये बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाता है। आगे जवाब दिया जा रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्राप्त अधियाचना के आलोक में संबंधित विभागों कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा निर्धारित सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। तो ये यहाँ पे ये लोग मान रहे हैं बेल्टन वाले कि हाँ ये आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है कि जो भी पंचायती राज विभाग हैं उनमें अधियाचना के आधार पर जो भी अधियाचना आती है उसके आलोक में ये लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया कराते हैं। प्रश्न संख्या दो है, क्या यह बात सही है कि बेल्टन द्वारा लिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में विगत 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में नियोजित नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थी भुखमरी के गार पर हैं। उत्तर दिया जा रहा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है कि मतलब हाँ ये मान रहे हैं कि जो भी 2019 में बेल्टन अभ्यर्थी पास हैं उनको उनमें से बहुत लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं ये लोग और वो भुखमरी के कगार पर हैं। आगे लिखा जा रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2019-20 में CBT उत्तीर्ण कुल 7311 अभ्यर्थियों का एक पैनल सृजित किया गया था, जिसमें से 3460 का नियोजन हो गया है। उक्त पैनल में 3851 अभ्यर्थी शेष हैं। बेल्टन द्वारा पैनल किसी रिक्ति के विरुद्ध नहीं बनाया गया है, बल्कि पैनल संभावित अधियाचनाओं के विरुद्ध प्रेषण हेतु सृजित है। यहाँ पे इनका कहना यह है, बेल्टन वाले खुद मान रहे हैं कि अभी तक वे 7311 अभ्यर्थियों में केवल 3460 अभ्यर्थियों का ही नियोजन कर पाए हैं, यानी कि अभी भी जो 3851 अभ्यर्थी हैं उनका नियोजन नहीं हो पाया है, मतलब कि अभी तक बेल्टन ने आधे अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग नहीं दिया है। और बेल्टन आगे यह कह रही है कि जो भी ये 7311 जो लड़के पास हैं वह किसी रीति के विरुद्ध पास नहीं हुए हैं, बल्कि उनको पास कराकर बैठाया गया है ताकि अब जिस कार्यालय से अभियाचना आएगी तो उनको वहाँ पर भेजा जाएगा, बहाल किया जाएगा। बेल्टन का यही कहना है। आगे प्रश्न तीन पढ़ते हैं, यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बेल्टन की परीक्षा में 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों का नियोजन सरकारी कार्यालयों में कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि जो भी शेष बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग कब तक करा दिया जाएगा, और नहीं कराया जाएगा तो क्यों नहीं कराया जाएगा। उत्तर है अस्वीकारात्मक है, मतलब ये अस्वीकार कर रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग आपके कहे अनुसार नहीं करा सकते हैं, मतलब कि हम कोई डेट नहीं बता सकते हैं कब तक हम ज्वाइनिंग कराएंगे। आगे लिखते हैं, अवगत कराना है कि पैनल में शेष बचे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध ही उपलब्ध कराई जा सकती है, इसके समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इनका कहना है कि जब भी हमारे पास अधियाचना आएगी तभी हम किसी का ज्वाइनिंग करा पाएंगे, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम बता दें कि कब तक हम सबका ज्वाइनिंग करा पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी कार्यालय से अधियाचना आएगी तो ये ज्वाइनिंग कराएंगे, नहीं तो आपके ज्वाइनिंग में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
यहाँ एक और प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर एक है, क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बेल्ट्रॉन को तकनीकी कर्मियों की सेवा प्रदान करने हेतु नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया है? इसके जवाब में लिखा जा रहा है, बेल्ट्रॉन द्वारा अस्वीकारात्मक है। विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी बॉय गर्ल की सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि बेल्ट्रॉन एकमात्र एजेंसी नहीं है। कहने का मतलब प्रश्न यहाँ यह पूछा गया था कि जो बिहार में विभिन्न सरकारी दफ्तर हैं उनमें क्या केवल बेल्ट्रॉन के द्वारा ही आईटी बॉय गर्ल या फिर तकनीकी सहायक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया कराए जाते हैं? तो यहाँ पर बेल्ट्रॉन जवाब दे रही है कि नहीं, केवल बिहार में बेल्ट्रॉन ही ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो इन सब सेवाओं को उपलब्ध कराएं, बल्कि और भी सारी और भी कई एजेंसियां हैं कि जो विभिन्न दफ्तरों में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय गर्ल वगैरह वगैरह मुहैया कराती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए आज बंदर बाट होकर रह गया है कि बहुत सारे एजेंसी ऐसी हैं कि जो विभिन्न कार्यालयों में आईटी बॉय और आईटी गर्ल और डाटा एंट्री ऑपरेटर देती हैं, लेकिन उनका जो वेतनमान होता है, तनख्वाह होता है, वो बहुत कम होता है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों की सेवा देने पर उनके वेतन से 550 रुपये सेवा शुल्क एवं GST ली जाती है? उत्तर है, अस्वीकारात्मक है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के आदेश के अपांक 11/16 दिनांक 31/8/2018 के आलोक में बेल्ट्रॉन की सेवा शुल्क बेल्ट्रॉन मार्जिन की राशि 550 एवं GST की राशि प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों के वेतन से कटौती नहीं की जाती है। वस्तुतः उक्त राशि इन कर्मियों को नियत मानदेय के अतिरिक्त होती है तथा इस राशि के व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ पूछा जा रहा है बेल्ट्रॉन से कि क्या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी बॉय गर्ल या जो भी तकनीकी सहायक है उनके वेतन मान से 550 रुपये और जो GST है वो काटा जाता है कि नहीं? तो ये बेल्ट्रॉन वाले जवाब दे रहे हैं कि नहीं, यह अस्वीकार है, वे लोग कोई ऐसी कटौती नहीं करते हैं, यानी कि 550 रुपये और GST ये नहीं काटते हैं। जबकि आप लोग सब जानते हैं कि आपके खाते से, आपके वेतन मान से 550 रुपये और आपका जो GST है, जो 2000 लगभग 4,500 करीब होता है, वो कटता है। लेकिन बेल्ट्रॉन का कहना ये है कि ये जो GST और ये जो 550 रुपये सेवा शुल्क है, यह आपके वेतनमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अलग से दिया जाता है। तो सरकार जब अलग से दिया जाता है तो फिर लिया क्यों जाता है, और जब ले लिया जाता है तो फिर दिया क्यों जाता है? इनसे पूछने वाला कोई अगर हो तो उनसे पूछे कि तो फिर ये क्यों दिया जाता है जब लिया ही जाता है, जब हमारे वेतनमान का हिस्सा नहीं है तो फिर ये क्यों दर्शाया जाता है कि हमारे वेतन से कट रहा है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न तीन है, क्या यह बात सही है कि सेवा शुल्क एवं GST लेने के बावजूद बेल्ट्रॉन द्वारा इन कर्मियों के वेतन आदि की राशि उर्मिला इन्फोटेक के खाते में दी जाती है, जो मनमाने ढंग से कटौती कर कर्मियों के खाते में राशि स्थानांतरित करता है? तो इसका उत्तर है, अस्वीकारात्मक है। संविदा के आधार पर उपलब्ध कराए गए कर्मी यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर सहित अन्य कर्मी निगम के कर्मी नहीं होते हैं, मतलब बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं होते हैं। चयनित सर्विस प्रोवाइडर यानी उर्मिला इन्फो सॉल्यूशंस द्वारा इन्हें अभिनियोजन हेतु संविदा पर उपलब्ध कराया जाता है और इनकी EPF, ESI आदि वैधानिक कटौतियों का दायित्व उनका है। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या यह बात सही है कि जो भी आईटी बॉय गर्ल या जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके जो वेतन होता है इनमें से 550 रुपये जो भी कटता है पैसा सेवा शुल्क के नाम पर काटा जाता है, तो ये क्या ये सब राशि कटती है और क्या यह उर्मिला काटती है? तो यहाँ पे बेल्ट्रॉन वाले कह रहे हैं कि नहीं, यह ऐसा नहीं होता है, हमारे अकाउंट से मतलब हमारे वेतन आदि से कोई भी ऐसा शुल्क नहीं काटा जाता है। जबकि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग को जब ज्वाइन लेटर मिलता है तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि उर्मिला, वह सेवा शुल्क 550 रुपये हमसे लेता है और GST वगैरह जो है वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेती है, लेकिन 550 रुपये सेवा शुल्क जो है वह हमारा चयनित प्रोवाइडर जो होता है वह उर्मिला वो ही लेता है। लेकिन यहाँ ये लोग साफ नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उर्मिला वैसा कोई कटौती नहीं करता है, केवल EPF और ESI काटता है।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न चार है, यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उर्मिला इन्फोटेक के माध्यम से संविदा कर्मियों को वेतन भुगतान एवं GST लिए जाने का औचित्य बतलाने के साथ साथ सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? उत्तर में लिखे हैं, अस्वीकारात्मक है, उपर्युक्त से वस्तुस्थिति स्पष्ट है। ये लोग साफ यहाँ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं, उर्मिला कोई इन लोगों का पैसा नहीं काटती है और उर्मिला के द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है इन लोगों के नियोजन या और भी वगैरह कार्य के लिए। दोस्तों, बेल्टोन के द्वारा दिए गए ज्वाइंग लेटर का यह स्कैन कॉपी है। इसमें आप 6 नंबर पॉइंट को पढ़ सकते हैं। उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में GST दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से GST 1948 एवं GST 1948 तथा कुल GST 3896 सहित त्रिपद की कुल राशि प्रति माह 25,540 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यथा EPF ESI सेवा शुल्क एवं सेवा कर की राशि 8,483 की कटौती के उपरांत शेष राशि कुल 17,057 मात डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगते होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ₹1948 एक राज्य सरकार का हो जाएगा GST और एक केंद्र सरकार का हो जाएगा। ये दोनों ₹1948 ये कट जाते हैं हमारे वेतन से GST के नाम पे। बाकी इसमें जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EPF और ESI के अलावा सेवा शुल्क एवं सेवा कर यहाँ पे काटा जा रहा है। वही जो ₹550 सेवा शुल्क जो कहा जा रहा है, जो काटा जाता है बेल्टोन के द्वारा या यूँ कहें तो उर्मिला के द्वारा, वो यही यहाँ पे सेवा शुल्क कहा जा रहा है। और लेकिन इनसे सवाल पूछने पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी शुल्क नहीं काटा जाता है। जबकि ये ज्वाइनिंग लेटर में साफ लिख के दे रहे हैं कि 1948 मतलब कि 3896 और बाकी आप समझ सकते हैं कि और सब कटौती लेकर टोटल 8,483 रुपये हमारे वेतन से काट किए जाते हैं और हमारे हाथ में मिलता है 17,057 रुपये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।